जैसे कि अभी प्रोग्राम से पहले भी हम डिस्कशन कर रहे थे, थोड़ा सा जो लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं, इस रीजन के पर्सपेक्टिव में बड़ी एक हॉट डिस्कशन है आजकल, ये जो भारत ने राफेल तैयारे प्रोक्योर किए हैं, 5 ऑलरेडी आ चुके हैं, 30 मजीद की प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है, कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक बैलेंस में शिफ्ट आप समझते हैं कि इस रीजन में हो सकता है, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये गेम चेंजर है, इससे जो इंडियन एयरफोर्स है वो सुपीरियर हो गई है इस रीजन के अंदर। ओके, ये जो कंपैरिजन है ना जहाजों का, इनके दो तरीके हैं करने के, और मैं ये चूंकि डिबेट बहुत ज्यादा चल रही है तो मैं आपके तवज्जो से इसको क्लियर कर दूं। एक तो ये आप एक जहाज को लेते हैं, उसको दूसरे जहाज से कंपेयर करते हैं और उसके लाइन कंपैरिजन होते हैं, उसके वेपन्स कैसे हैं, उसके मैं इस पर भी बात कर दूंगा, लेकिन असल कंपैरिजन ये नहीं होता। असल कंपैरिजन ये होता है कि जब आप एक नया जहाज लेते हैं तो वो आपकी फोर्स के साथ कैसे डफटेल होके एक कॉम्बैट एबिलिटी बनाता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर पामा में एक अटैक हुआ तो सिर्फ एक तरह के जहाज पाकिस्तान एयरफोर्स के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इट वॉज एक्टिवेशन ऑफ मेनी एसेट्स एंड नॉट ओनली एयरक्राफ्ट बट एवैक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ग्राउंड के रेडार्स, तो बड़ा इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स होता है जो कि हमें देखना चाहिए। तो राफेल का जहां तक ताल्लुक है, देखिए 36 जहाजों के साथ वो पूरे इंडिया को एक दम डिफेंड नहीं कर सकते हैं, नंबर वन पॉइंट। कहां कहां पे 36 जहाजों को एम्प्लॉय करेंगे, नंबर वन पॉइंट। एक पोलिटिकल स्टेटमेंट है, उन्होंने अपनी खिफत को भी कहीं ऑफसेट करना है। एक एयरफोर्स जो हमारे से 2.5 गुना बड़ी एयरफोर्स है, दे वर नो मैच, और ये हम सबको इस बात का पता है, और इस पर भी आप डेलिब्रेट करना चाहेंगे तो बता, दे वर नो मैच बिटवीन द टू एयरफोर्सेज जब वो गए। सो उसके लिए उन्होंने राफेल को इस तरह बढ़ चढ़ के बताया, नंबर वन पॉइंट। I think what they are missing out, जो इन्होंने, मेरा ख्याल है कि इंडियन एयरफोर्स ने जरूर इसमें अपना एक लेसन ड्रॉ किया होगा कि they were no match, not because के हमारे JF-17 बहुत अच्छा फ्लाई कर रहे थे और हमारे F-16 थे वहां पे या दूसरे जहाज भी थे। इशू ये था कि हमारे जहाजों के जो पायलट्स हैं उनकी उनकी अपनी ट्रेनिंग, फिर उसके अलावा उनकी इंटीग्रेशन अदर एसेट्स आर टू फार अहेड। और मैं इसको यहां पे एक स्ट्रेट लाइन पर खत्म करूंगा, इंडियन एयरफोर्स अगर आज उस लेवल पे ट्रेन करना चाहे जहां पाकिस्तान एयरफोर्स है, दे नीड एटलीस्ट 10 इयर्स। दिस इज द वो तो बड़े, आपको पता है ना वहां से कैसे क्लेम्स आ रहे हैं कि हम सुपीरियर हो गए, गेम चेंजर, वो तो खैर बड़ी बड़ी बातें करें, मैं भी आगे आपसे मजीद पूछती हूँ, लेकिन क्योंकि आप कमेंट कर रहे हैं कि किस तरह से हम सुपीरियर हैं या हम बेहतर हैं अभी भी इन जहाजों की प्रोक्योरमेंट के बाद भी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये कहा है कि जो फर्स्ट शूट केपेबिलिटी है वो फिर भी हमारे पास रहेगी। बहुत से लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, फर्स्ट शूट केपेबिलिटी क्या होती है, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, हाउ विल यू कमेंट ऑन दिस? देखें, एक जहाज को जैसे मैंने कहा लाइन कंपैरिजन में दूसरे जहाज के साथ कर लें, तो जो मीटियोर है उनका, जो मिसाइल है जो राफेल के ऊपर लगता है, उसकी अभी बेटर शॉट कैपेबिलिटी है एज कम्पेयर टू द F-16 एंड JF-17। अच्छी बात समझने की यह है कि हमारे F-16 और JF-17 बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुके हैं, जो एज फार एज ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इज कंसर्न, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी होगी, ये भी हो गया। फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी इज नॉट ओनली अ फंक्शन ऑफ मिसाइल एंड एयरक्राफ्ट। फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी उस चीज को भी गवर्न करती है कि आप उस जहाज को इंप्लॉय कैसे कर रहे हैं, और उसको इंप्लॉय करने से मिसाइल की रेंजेस चेंज और सब कुछ, तो वो टेक्टिकल डिटेल्स में मैं नहीं जाता। और ये फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी की हमें रिटेन करने की कंप्लीट कमिटमेंट है, और हम इसको समझते हैं कि इसको कैसे रिटेन करना है। तो जिस तरह वो पूरे वॉर सिनेरियो को या बैटल सिनेरियो को उसमें नहीं समझ पाए, आई थिंक लेट देम गेस इट फॉर द नेक्स्ट कॉम्पिटिशन एज एंड व्हेन इट हैपेंस, कि राफेल के अगेंस्ट भी इवन JF-17 विल रिटेन द फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी, लेट अलोन द F-16। कोई और मिस एडवेंचर करेंगे तो फिर उनको समझ में आएगी। अभी ऑब्वियसली ये बातें जो है वो इस तरह से स्ट्रेटेजिक जो है वो डिस्कस करने वाली है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना कि कौन सुपीरियर है विजवी ये जो इस रीजन की जो सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान ज्यादा सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ देयर डिफेंस सिस्टम या इंडिया सुपीरियर, तो एक तो राफेल का मामला हुआ। अच्छा, एक जो ये S-400 जो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम वाली एक डिबेट है, उस पर भी बड़ी ही डिस्कशन हो रही है कि ये इसकी बड़ी सीरियस किस्म की इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं जब हम बात करते हैं कि कौन बैलेंस, किसका बैलेंस ज्यादा बेहतर है, बल्कि यहाँ तक भी कह रहे हैं कि हमारे जो स्काइज हैं उनको इंडिया डोमिनेट कर सकता है इसके बाद। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इस पे कमेंट करें। अच्छा देखिए यशवीर, ये सब जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, उनके भी जो मिलिट्री लीडर्स हैं, उनके भी जो एयरफोर्स के लीडर्स हैं, वो भी हकीकत में समझते हैं जब वो
खुद टैक्टिक्स को या स्ट्रेटजी को बनाते होंगे बेस्ड ऑन द टैक्टिक्स दैट दे नीड टू अप्लाई, उनको समझ आती है. S-400 इज डेफिनेटली अ कैपेबिलिटी, लेकिन ये कहना कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को डोमिनेट कर देगा ऐसा नहीं है. जिस मिसाइल की मैं बड़ा एक सादा अल्फाज समझा देता हूँ कि जो एक मिसाइल जिससे 400 किलोमीटर से ज्यादा तय करने हैं एक टारगेट को इंगेज करने के लिए, उसका एक टाइम ऑफ फ्लाइट है और हमारे पास उसके डिटेक्शन के कंप्लीट मेथड्स हैं, इसमें कोई ऐसी सीक्रेट बात नहीं है. तो आप खुद समझें कि वो सारे टाइम पीरियड के अंदर हम लोग को डंब एयरफोर्स तो नहीं है कि हम बैठे रहेंगे. तो इसलिए इसके S-400 के खिलाफ कैसे लड़ना है, राफेल के खिलाफ हमने कैसे देखना है, इसको हम बड़े अच्छे से स्टडी कर रहे हैं. ये आज की बात नहीं है, क्योंकि आर एयरफोर्स बीइंग अ टैक्टिकल एयरफोर्स हम अपने नंबर्स को बढ़ाते रहे, हम जो F-17 को ज्यादा कैपेबल करते रहे, तो अब हमारी जो मेजर फोर्स है वो हाईटेक एयरफोर्स है. तो इस इनके खिलाफ कैसे लड़ना है, कभी आप स्ट्रक्चर S-400 का नेट के ऊपर जाके देखें, इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को लेके वो कहाँ फिरते रहेंगे. सो देयर आर मेनी इश्यूज. मैं सिर्फ आपके प्रोग्राम के तवसत से ये कहना चाहूंगा कि दिस इज अ कैपेबिलिटी विच कैन बी एड्रेस्ड एंड विच कैन बी काउंटर्ड एंड नथिंग लाइक पाकिस्तान की एयर स्पेस डोमिनेट हो जाएगी. पाकिस्तान एयरफोर्स स्पेशली नोस हाउ टू मेक श्योर दैट दे हैव एयर सुपीरियरिटी ओवर ऑल एरियाज दैट दे विश टू. अच्छा, आपने कहा टेक्निकली भी बेहतर हो रहे हैं, वी नो हाउ टू हैंडल अगर इस तरह की कोई चीज वहां पे डिप्लॉय की जाती है, लगाई जाती है. थोड़ा सा कमिंग बैक टू राफेल अ बिट अगेन, उसकी उसको लेकर उसके अराउंड एक डिबेट ये भी बिल्ड की जा रही है कि फोर्थ जनरेशन जहाज नहीं है, 4.5 the take it a notch higher, kisko 4.5 mein count kare, and of course then the same debate starts all over again ke Pakistan ke paas aisi koi capability nahi hai, F-16 ke block 52 ke ilawa Pakistan doesn't have anything, aur usko bhi lekar wo obviously apni debate ke andar to kehte hain ke it doesn't mean or matter, it doesn't mean anything. To thoda sa is pe bhi comment karenge ki ye jo fourth generation 4.5 generation ye thodi si ye debate bhi clear kar sakti. अच्छा देखें, ये गिमिक रेस है और ये जो एयरक्राफ्ट को कैटेगराइज करके मैं आपको एक बड़ी सिंपल बात समझा देता हूँ. ये जो कॉम्बैट अब है वो विजुअल कॉम्बैट अब क्लोज रेंज नहीं है. इम्पोर्टेंट बात ये है कि एयर जहाज में किस नोयत का रेडार और मिसाइल लगा हुआ है, दैट व्हाट आल्सो डिटरमाइंस द एयरक्राफ्ट विच जनरेशन इट इज. ठीक है, किसी सूरत में भी ये हम J-17 Block 3 जो एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, they are going to have an active electronically scanned array antenna on them. ये वो antennas हैं जो के राफेल के ऊपर भी लगे हुए रेडार पे. So radar wise we will not be into any deficit. So राफेल का 4.5 generation होना, we are ourselves making our fifth generation aircraft project, अज़्म है हमारा, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं. तो हमारा जो know-how बड़ा है वेस्टर्न इक्विपमेंट चलाने का, चाइनीज को अच्छी तरह स्टडी करने का, J-17 इज बाय नो मींस माय ओपिनियन एक चाइनीज जहाज नहीं है, उसमें वेस्टर्न एवियोनिक्स है सब कुछ. तो J-17 को मैं डेफिनेटली ये समझता हूँ कि वो एक फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है. अगर थोड़ा सा एज अवेलेबल है राफेल को तो बहुत आसानी से उसको काउंटर किया जा सकता है. राफेल बाय लार्ज जिस कॉन्फ़िगरेशन में इंडिया के पास आ रहा है, आई वुड आल्सो क्लासिफाई दिस टू बी अ फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, अगर लोग जनरेशन से ही देखना चाहते हैं, इट्स अ फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट एंड नॉट 4.5. ठीक है, तो मतलब उसको वो 4.5 ही आप कह रहे हैं कि सारे गिमिक्स. अच्छा, सवाल करना था, वैसे आपने खुद अपने जवाब में कह भी दिया कि फिफ्थ जनरेशन की जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान ऑलरेडी उस पर काम कर रहा है. तो क्या ये मतलब आपके दौर में स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था ये थोड़ा सा अगर इस पे. देखिए, हमने अपनी खुद नसारी पे बहुत काम किया.